मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 में जीके विषय को पढ़ने वाले हैं, जीके सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। जीके में हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन है आप लोग का नेटिव एनिमल्स। नेटिव एनिमल्स का मतलब होता है राष्ट्रीय ये जानवर जो होता है उसी के बारे में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे। एवरी कंट्री हैज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्रत्येक कंट्री का विभिन्न प्रकार का वाइल्ड लाइफ होता है। दैट बिकम्स यूनिक टू दैट प्लेस, जो उसके स्थान को एक यूनिक एक अद्भुत उस प्लेस को एक अद्भुत रूप देता है। ठीक है, तो कहेगी एवरी कंट्री हैज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्रत्येक कंट्री का वाइल्ड लाइफ जो है अलग अलग तरीके से होता है। दैट बिकम्स यूनिक टू दैट प्लेस, जिसके कारण उस जगह को वो क्या करता है, यूनिक बनाता है, एक अद्भुत टाइप का बनाता है, एक एक अद्भुत आश्चर्यजनक कह सकते हो। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम नेटिव एनिमल्स। यहाँ नीचे कुछ नेटिव एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओमबैट, ओमबैट एक जानवर होता है, उम्बेट एक जानवर होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये अपने ऑस्ट्रेलिया के ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। कॉगर, कॉगर जो है ये एक तेंदुआ होता है जो अमेरिका से रिलेटेड है। स्प्रिंगबोक एक हिरन होता है, छोटा सा हिरन होता है जो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका से ये रिलेटेड है, इस ये फेमस है साउथ अफ्रीका से। हिमालयन उल्फ ये इंडिया से रिलेटेड है। जायंट पांडा, जायंट पांडा विशालकाय पांडा जो है वो चाइना से रिलेटेड है। सैंड कैट इजिप्ट, इजिप्ट से ये संबंधित है। इजिप्ट को मिस्र के रूप में जानते हैं, इजिप्ट को मिस्र के रूप में जानते हैं हम लोग। टोमेटो फ्रॉग जो होता है वो मेडागास्कर से रिलेटेड है। मेडागास्कर एक शहर है, उसी से वो एक जगह उसी से ये रिलेटेड है। एडली पेंगुइन ये अंटार्कटिका से रिलेटेड है। वाइल्ड याक तिब्बत से रिलेटेड है। तो ये सब ये नेटिव एनिमल्स हैं जो अपने नेशन से संबंधित हैं। इस तरह आप लोग का ये नेशन वन से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं, इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू।